मैं आपको बता नहीं सकती जो बेइज्जती उस दिन मेरी हुई है मेरी लाइफ में। मतलब ऐसे जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता इस तरीके से तो धक्के मार के निकाला गया था। ख्वाहिश क्या थी? सिर्फ एक फोटो क्लिक कराने की। मेरी बेइज्जती की जा रही थी। निकालो निकालो उसको यहाँ से, कौन लेके आया इसको, निकालो। वो मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी इंसल्ट पहली बार हुई थी सर। उसके बाद मैंने कसम खाती थी कि मैं कभी ये मन में नहीं लाऊंगी कि मुझे सलमान खान जी से मिलना है, मुझे नहीं मिलना है। वैसे तो सलमान खान अपने को स्टार्स के साथ बहुत ही रीजनेबल वे में पेश आते हैं और मोस्टली को स्टार उनको अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रूमिंग, फिर चाहे वो डेजी शाह हो, जैकलीन फर्नाडीज हो या फिर पलक तिवारी। लेकिन उनकी एक को एक्ट्रेस ऐसी है जो उन पर बहुत ही संगीन आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि सलमान खान ने अपनी मूवी के सेट पर उनको बहुत इंसल्ट किया और लगभग कुत्ते की तरह ट्रीट किया, यहाँ तक कि करीब 50 सालों के बीच में बहुत ही बेइज्जती की। ये एक्टर उनके साथ काम कर चुके दबंग 3 में और इनका नाम है हेमा शर्मा। पूरा माजरा क्या है, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली सलमान खान को लेकर हेमा शर्मा ने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है और कहा है कि सलमान खान ने सिक्योरिटी के बीच में उनके साथ बदतमीजी हुई और सलमान खान चुपचाप खामोशी से देखते रहे। हेमा उस टाइम को याद करते हुए बोलती हैं कि सिर्फ इसलिए ह्यूमिलेट नहीं किया गया कि सलमान खान से मिलने की कोशिश कर रही थी, बल्कि गौर करने वाली बात है कि सलमान खान के साथ काम कर रही थी और सलमान खान की कोएक्ट्रेस होने के बदौलत उनको उनसे मिलने की आज़ादी होनी चाहिए। हेमा के मुताबिक दबंग 3 में सलमान के साथ काम करके बहुत खुश थी, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रही थी। सलमान सर से मिलने के लिए उन्हेने बहुत जोर लगाया, करीब 50 लोगों को रिक्वेस्ट की कि सलमान खान के प्रोडक्शन वालों से कि मिलवा दीजिए। करीब लोगों ने मिलवा भी दिया, मुझे बस उनके साथ एक फोटो खिंचवानी थी। उस दौरान मेरी मुलाकात पंडित जनार्दन से हुई जो कि बिग बॉस में आए थे। उन्होंने सलमान खान को मैसेज दिया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया सलमान खान उनसे मिलेंगे, लेकिन पूरे शूट टाइम में उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ, बहुत ही ह्यूमिलेट किया गया और लगभग कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया, उनका ऐसा कहना है। बिकॉज सलमान खान के साथ एक पिक्चर के चक्कर में सलमान खान ने उनको बहुत दूर रखा, यहाँ तक कि जब वो पर्सनली पास जाती थी तब सलमान खान वैनिटी वैन से उनको देखते थे, फिर भी ना उनके साथ फोटो खिंचवाते थे ना ही को एक्टर वाली रिस्पेक्ट देते थे। इस बात से बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई हेमा शर्मा और करीब 10 दिनों तक सो नहीं पाई और अब वो कहती है सलमान खान के साथ वो किसी मूवी में काम नहीं करेंगी और ना ही सलमान खान को इस बात के लिए माफ करेंगी। अब सलमान खान की इसमें मौजूदगी कितनी है ये तो हेमा का सच जाने, लेकिन सलमान खान के इस बिहेवियर को लेकर काफी लोग चौंकाने वाली फीडबैक दे रहे हैं। मोस्टली लोगों का कहना है कि सलमान खान अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अपने गरीब को स्टार को मदद करते हैं, यहाँ तक कि बीइंग ह्यूमन के जरिए पब्लिक को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हेमा शर्मा का जो स्टेटमेंट है वो सलमान खान के कैरेक्टर को काफी डिफरेंट तरीके से लाइमलाइट में लाता है। अब सलमान खान ने इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया बिकॉज सलमान खान जानते हैं उनसे जुड़ी हर बात न्यूज बन जाती है और बहुत ही निगेटिविटी का माहौल बन जाता है मीडिया में। लेकिन हेमा शर्मा का जो वीडियो आया रोते हुए, वहाँ हेमा शर्मा की जो बातें हैं वो बहुत हद तक कन्विंसिंग लग रही हैं और हो सकता है सलमान खान से जाने अनजाने में किसी नए कोएक्टर का दिल टूट गया हो। सलमान खान को इस पर रिग्रेट करना चाहिए और नए कोएक्टर को मौका देना चाहिए अपने साथ करीब लाने का। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के Please hit the subscription and bell icon button of MovieFox, and don't forget to like, comment and share our videos.